यशोमती मैया के नंदलाला। दस सिक्के दियो है उसने, पांच मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। यशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका जो था, रोका था, किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था, लोग के जाल में मती फसियो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचे समय की। देखा, कुछ ना क्यों नारायण ने, मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने, शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, जही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो, कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा, ठीक से बताना, किसका याद आना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ, क्या होने वाला है और कब होने वाला है मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरी दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, दो माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करता है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जाता है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं, मेरी सखियाँ ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी मैं? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही कान्हा। संकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तू मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी, इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती ना। तो
तब ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना काना। ये रोकने आई थी ये सारा भेद बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने सेम देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊ। मैं तुम्हारा दाऊ हूँ काना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा, आ जाओ। दाऊ ना हो गोकार्य, यदि काना के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज काना यहाँ अवश्य आवेगो। पर जे कान पकड़ के ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि काना सचमुच भयभीत होगो फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों हैं जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। बलराम, ये सोने का समय थोड़ा ना है, तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जीजी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की, नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो जे सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में फरको, माखन मटकियों में फरको, माखन मटकियों में फरको, माखन मटकियों में फरको, माखन मटकियों में।
काना तो अभी तक आया ही ना। 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 काना ही ना रहे। सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन काना के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा काना। आरती का समय हो गया। चलो एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। गहरी नींद में सो रहे दोनों। चिची शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? काना बलराम का रहोगे? ताऊ वो तो सो रहे हैं। पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगो। काना अब तक ना आयो। अचूहती की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो काना। जे तो सच में आगो बढ़ा नहीं डरे जे। वाह
सेमी बुलाती हो और सेमी अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.